नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गैबी, आपका फेलो, और आप सबका स्वागत करता हूं फिर से इस टेक्निकल मैनेजमेंट चैनल पे। देखिए दोस्तों, आपको एक बहुत टाइम से इशू आ रहा होगा, आपने शायद नोटिस ना किया हो। तो अगर आप Xiaomi यूजर हो या आप MI या Redmi का कोई भी डिवाइस यूज करते हो, कोई भी स्मार्टफोन यूज करते हो, तो वहां पे कॉन्टेक्ट्स का इशू आ रहा था जो काफी टाइम से चल रहा था। कॉन्टेक्ट्स के बग देखने को मिल रहे थे, मतलब एक्चुअली हो क्या रहा था वहां पे कि कॉन्टेक्ट्स जो थे आपके वो ओवरलैप हो रहे थे। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि हमारे स्मार्टफोन में बहुत सारे अकाउंट जो होते हैं वो एडेड होते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ फिर कि जो व्हाट्सएप का अकाउंट है, फेसबुक का अकाउंट है, आपके अदर जीमेल के अकाउंट है, और भी जो पेटीएम के अकाउंट है, थर्ड पार्टी अकाउंट है, इन सब में क्या हुआ कि जो कॉन्टेक्ट्स है वो आपस में ओवरलैप कर गए। तो बहुत बार आपको ये इशू देखने को मिला होगा कि आपने कॉल किसी और बंदे को किया, कॉल किसी और बंदे को लग गया, आप किसी का नंबर ढूंढना चाहते हो, कॉन्टेक्ट लिस्ट में उसका नंबर गायब हो गया। इनफैक्ट मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ कि जब भी मैं कॉन्टेक्ट ढूंढता हूँ, मैंने किसी सर्टेन बंदे को फोन किया, कॉल किसी और को लग गया। तो यहाँ पे बहुत सारे इशू देखने को मिले, और फिर मैंने MI को एस्केलेट किया कि भाई ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिल रही है तुम्हारे सॉफ्टवेयर में। तो बेसिकली ये इशू जो आया, ये आया इनकॉम्पेटिबिलिटी बिटवीन द MIUI एंड अदर एप्लीकेशंस। तो जो भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जो आप डाउनलोड करते हो, जो भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, जो भी मेल के एप्लीकेशन है, और जो MIUI का कॉन्टेक्ट सिस्टम है, इन दोनों के बीच में मिसमैच हुआ, ओवरलैपिंग हुई, और यहाँ पे आपके जो सारे कॉन्टेक्ट्स हैं वो क्या जंबल अप हो गए। तो अब MI जो फाइनली है एक सॉल्यूशन के साथ आया है। सॉल्यूशन क्या है कि वो एक पैचर लाया है जो टेम्प्रोरी पैचर है। इसको क्या करना है, आपको डाउनलोड करना है और आपको अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना है। अगर आप ये पैचर इंस्टॉल करते हो तो फिर जो आपकी कॉन्टेक्स्ट के इशू है वो वहाँ पे हो जाते हैं सॉल्व। तो बेसिकली कुछ ऐसा है वो एप्लीकेशन, देखिए अगर आपका MIUI फोन ये है तो यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर है उसका नाम है कॉन्टेक्स्ट करेक्टर। तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप इस पर जाके इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कीजिए। बेसिकली ये जिप फाइल है, तो आपको इसको अनजिप करना होगा। उसके बाद इसमें एक फाइल अनजिप होने के बाद आएगी जो होगी कॉन्टेक्स्ट करेक्टर, उसको आपको इंस्टॉल करना होगा। तो इंस्टॉल करने के बाद जो आइकन है वो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा आपको, ये जो ग्रीन कलर का आइकन देख रहे हो आप, ऐसा देखने को मिलेगा। तो लॉन्च करने के बाद आपको ये स्क्रीन आएगी जिसमें आपको ऑप्शन पूछेगा। तो जैसे ही आप चेक बटन पर क्लिक करोगे तो ये आपके सारे कॉन्टेक्ट जो हैं और जितने भी ओवरलैप अकाउंट्स हैं उनमें आपके जो कॉन्टेक्ट का इशू है उसको ये सर्च आउट करेगा, और फिर यहाँ पे ये आपको स्क्रीन पर दिखा देगा कि इसमें क्या क्या इशू है, कहाँ कहाँ पे आपके कॉन्टेक्ट के अंदर कुछ गड़बड़ देखने को मिली है, उसके बाद आपको करेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट लग सकते हैं चेक करने में कि कहाँ पे मिसमैच है या कहाँ पे अकाउंट के साथ कोई बगिंग हुई है। उसके बाद आपको इसको करेक्ट करना होगा, और करेक्ट करने के बाद ये आपको बता देगा कि कहाँ कहाँ पे इशू था और क्या क्या करेक्ट कर दिया गया है। तो इस तरीके से अगर आपको ये इशू आ रहा है तो आप ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करिए, ये पैच फाइल डाउनलोड करिए, और फिर आपका जो कॉन्टेक्ट का इशू है वो सॉल्व हो जाएगा टेम्पररी बेसिस पे। आने वाले टाइम में Xiaomi इसको अपने MIUI के साथ इंटीग्रेट कर देगा, तो आपको कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, विद इन MIUI ही आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आपने ये पैच डाउनलोड किया है या नहीं किया है तो आप कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे MI डिवाइसेज में ये इशू देखने को मिला जहां पे कॉन्टेक्ट्स के साथ काफी सारे बग्स निकल के आए। तो आपने अगर नोटिस किया है तो ठीक है, नहीं किया है तब भी यहां पे बहुत सारे बग्स निकल के आए होंगे, और आपने नोटिस नहीं किया होगा, आपको ध्यान में नहीं आया होगा। तो ये कर लीजिए ताकि टेम्पररीली फिक्स हो जाए आपका फोन और आपके जो कॉन्टेक्ट्स हैं वो आने वाले टाइम में इधर उधर वेस्ट ना हो, क्योंकि कॉन्टेक्ट्स जो है दोस्तों वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, और वही अगर मिसमैच हो गए तो फिर स्मार्टफोन का कोई मतलब नहीं है, फिर तो आप डायरी में सेव कर लो उसको। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप ये इशू फेस कर रहे होंगे तो कैसे आप उसको सॉल्व आउट कर सकते हैं और इस बग से बाहर निकल सकते हैं। और उसी के साथ अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर दीजिए, क्योंकि यहां पे मैं लाता हूं आपके लिए ऐसे ही खबरें, ऐसे ही टेक टिप्स और भी बहुत सारी चीजें। तो इसके साथ इस वीडियो के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।